पूरा देश जान रहा है कि श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और गुजरात की सरकार ने साजिश करके केस को इस प्रकार से बनाया है कि राहुल गांधी जी की याचिका खारिज हो। एक तरह से कहिए कि जो नीचे झुकाने वाला काम कर रहे हैं, राहुल जी सही बोले कि हम गांधी परिवार से हैं, हम सावरकर नहीं हैं, और जितना मोदी है तो मोदी मतलब कुछ मोदी थोड़ी है, मोदी मतलब व्यापारी है। हम लोग को उम्मीद नहीं थी ये याचिका खारिज होगा, क्योंकि न्याय तो मिलना ही चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी नहीं मिला, उच्च न्यायालय में निश्चित रूप से हम लोग को न्याय मिलेगी, ये हम लोग को उम्मीद है। आज राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसको लेके आज कांग्रेस कार्यकर्ता पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये तस्वीर है। और हम यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ सर क्या कहना है कि सर जिस तरीके से याचिका को खारिज किया गया, इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड? जबरदस्ती कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो एक तरह से कहिए कि जो नीचे झुकाने वाला काम कर रहे हैं, राहुल जी सही बोले कि हम गांधी परिवार से हैं, हम सावरकर नहीं हैं, और जितना मोदी है तो मोदी मतलब कुछ मोदी थोड़ी है, मोदी मतलब व्यापारी हैं। अब उसको लेकर कोर्ट मरे हुए हैं, कोर्ट उनके बस में है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए हरासमेंट कर रहे हैं। इससे हम लोग कांग्रेस पार्टी डरने वाले नहीं हैं, राहुल जी कहते हैं मोहब्बत करो, हम लोग मोहब्बत के साथ चलेंगे। आपका कहना है कि बीजेपी वाले इसमें संदेह? निश्चित, मोदी जी जो हैं चाहो तब देश की जनता का ध्यान जो है ना एक जगह इकट्ठा करके राहुल जी को फोकस कर रहे हैं। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, इसको छिपाने के लिए जो है सिर्फ अपना ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि राहुल जी की तरह दबाओ ताकि कांग्रेस पार्टी के आदमी दब जाए। कांग्रेस पार्टी का दबने वाला नहीं है, देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे मदन मोहन सर। आप लोगों का क्या स्टैंड है जिस तरीके से याचिका को खारिज? हम लोग को उम्मीद नहीं थी ये याचिका खारिज होगा, क्योंकि न्याय तो मिलना ही चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी नहीं मिला, उच्च न्यायालय में निश्चित रूप से हम लोग को न्याय मिलेगी, ये हम लोग को उम्मीद है। आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें संलिप्त? संलिप्त तो वही है जब जिन्होंने याचिका दायर किया वो वापस ले ली, और जब राहुल गांधी जी ने इशू उठाया अडानी का तो फिर उसको परसू करके उस केस को खुलवाए, तो इसमें उनका साजिश है। ठीक है, मैं कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन उनकी साजिश है इसमें तो कहीं दो मत नहीं है, और कोई एक ही बात तो नहीं ना है। ऐसा ऐसा कितने को फंसा रहे हैं, किसी को आईडी में, किसी को आईटी में, किसी को सीबीआई से, किसी को सीआईडी से। तो मैं समझता हूँ देश में आजकल तानाशाह की सरकार चल रही है, और अगर देश की जनता तैयार नहीं होगी तो आज राहुल गांधी प्रताड़ित हो रहे हैं, आज महाराष्ट्र के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, आज तेजस्वी यादव प्रताड़ित हो रहे हैं, एक एक करके सब लोग प्रताड़ित होंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ मदन मोहन झा थे, और आप देख सकते हैं सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखा दें इनकम टैक्स गोलंबर का जो ये तस्वीर है, आपको पता है क्या लगता है सर, बीजेपी वाले संलिप्त? हाँ यस, आप देखिए इन लोगों का ये भी कहना है, साथ में ये तस्वीर कहीं ना कहीं अपने आप में आपको बयां कर रही है कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है। सर क्या लग रहा है बीजेपी वाले इसमें मिले? पूरा देश जान रहा है कि श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और गुजरात की सरकार ने साजिश करके केस को इस प्रकार से बनाया है कि राहुल गांधी जी की याचिका खारिज हो। इसी कारण आज देश भर के कांग्रेस जन आज धरना पर है, प्रदर्शन पे हो, और यह कार्यक्रम हमारा आगे जारी रहेगा। आप देख सकते हैं एक बार कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पे नरेंद्र मोदी का पुतला दहन हुआ है, और ये तस्वीर कहीं ना कहीं अपने आप में आपको बयां कर रही है कि किस तरीके से याचिका को खारिज किया गया राहुल गांधी के बाद, किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनमें नाराजगी दिख रही है। तो ये तस्वीर आपको बयां कर रही है, आप सीधे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। तो देखिए हमारे साथ मदन मोहन झा भी थे, और उन्होंने भी ये कहा है कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है वो सीधे सीधे गलत है, और अगर इस पर रोक नहीं लगाई तो ऐसे कई ईमानदार नेता भारतीय जनता पार्टी के बलि पे चढ़ जाएंगे। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है, सहयोगी हीरा के साथ IVTV पटना। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।